हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिवानी स्टडी हब। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ज़्यादा ये जो वीडियो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर गोरखपुर विश्वविद्यालय में हर एक चीज़ें नई अपडेट आ रही हैं कि आपको ABC ID बनाना है, समर्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। तो जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि समर्थ पोर्टल पे आपको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। और जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हो, चाहे वो BA हो, BSc हो, BCom हो, MA हो, MSc, MBA, कोई भी कोर्सेज हो आपका, तो जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट हैं उनको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो बिना उसके रजिस्ट्रेशन के आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं फिल कर सकते हो। इसके पहले वाली वीडियो मैंने बताया कि आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें जो हैं उसी पर आपको आएंगी, उसी पोर्टल पर जो इनरोलमेंट नंबर और जो पासवर्ड करोगे आप, लॉगिन करोगे, उसी पर सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अगर आपको कोई समस्या आ रही है पोर्टल को रजिस्ट्रेशन करने में तो आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको सारा रजिस्ट्रेशन वगैरह करके आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो कैसे आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि एग्ज़ामिनेशन फॉर्म की डेट आपकी 5 नवंबर तक है, और 5 नवंबर से पहले आपको सभी स्टूडेंट्स को फिल करना है, क्योंकि आपकी नवंबर में परीक्षाएँ हैं, ठीक है। तो चलिए DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसको देख लेते हैं। तो आप अपने गूगल या क्रोम पे अपने सेलफ़ोन में DDU सर्च कर लेना, DDU GU.ac.in, तो कुछ इस तरह का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही यहाँ पे आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का पेज जो है ओपन हो पाएगा, ठीक है। अगर आपने देखो, मैं बता रही हूँ बार बार कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो सबसे पहले आपको समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, उसी के बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर पाओगे। इसके बाद आपको लॉगिन एंड पोर्टल पे आना है यहाँ पे, ठीक है, जो कि ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इस पर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो समर्थ स्टूडेंट पोर्टल आ जाएगा। इसके ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यहाँ पर अपना इनरोलमेंट नंबर मैं फिल कर देती हूँ, ये किसी स्टूडेंट का है ये, ठीक है। उसको फिल कर लेने के बाद अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना मुझे यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर दीजिएगा, मैं सबमिट कर दूँगी, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आ सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टूडेंट का सारी चीज़ें, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मतलब ये स्टूडेंट जो है ये फॉर्म को फिल कर चुका है, तो इस वजह से यहाँ पर दिखा रहा है क्लिक हियर, ठीक। यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स में यहाँ पे इसने फिल कर दिया, अपना जो भी कोर्स है यहाँ पर सारी चीज़ें फिल कर दिया, जैसे कि BCom का है ये फर्स्ट सेमेस्टर का, तो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस कम्युनिकेशन, ठीक है, ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है, जो कि लेना ही लेना है। उसके बाद आपको एक मैंने बताया है माइनर एक स्किल इन्हेंसिटी कोर्स है और एबिलिटी इन्हेंसिटी कोर्स है, इन्हेंसमेंट कोर्स है, तो उसमें से कोई एक लेना है तो ये एक पेपर आपको लेना है, ठीक है। तो ऐसे जब आप फिल करोगे तो कंप्लीट आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, हमेशा लॉगिन करके आप देख सकते हो। और देखो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें जो हैं आपको यहीं पर देखने को मिलेंगी, जैसा कि अगर हम बैक यहाँ पर जाएँ तो सारी चीज़ें आप देख सकते हो, माई कोर्सेज में कौन कौन से आपके सब्जेक्ट हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आप साइड में देख सकते हो डैशबोर्ड, प्रोफाइल, बैचलर ऑफ़ कॉमर्स, फीस, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। तो सारी की सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, समर्थ पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी तरह का, तो आप मुझे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड सेंड कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8896914354 पे, जिस पे आपको किसी भी स्टूडेंट्स को अगर प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। तो इसी तरह कंप्लीट प्रोसेस है आपको
अपना जो है एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है। ओके, यू अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करके करना क्या है, सिर्फ आपको अपने कोर्स का जो है सब्जेक्ट डालना है, और सब्जेक्ट डालने के बाद आपको माइनर कोर्सेज डालने हैं। ठीक है, बस इतना करना है। ओके, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, वीडियो को लाइक करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना मत भूलिएगा, क्योंकि सेमेस्टर एग्ज़ाम से बहुत सारी चीज़ें, प्रीवियस रिक्वेस्ट, एक्सपेक्टेड एमसीक्यू, मैराथन वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं।